नमस्कार, मैं हूं अविरल सिंह और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी उत्तर प्रदेश। 14 फरवरी यही वो दिन था जिस दिन ठंड की भीनी भीनी खुशबू में लोग अपने रोज़मर्रा के कामों में लगे थे। कुछ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन शाम होते ही जम्मू कश्मीर के पुलवामा से ऐसी खबर आई कि ठंड की भीनी खुशबू एक गम में बदल गई। खबर थी देश के 40 जाबाजों के शहादत की, जिन्हें आतंकवादियों ने एक कायराना हरकत में शहीद कर दिया था। एक साथ 40 जवानों के शहादत के बाद देश भर के लोगों में पाकिस्तान से आए आतंकियों के लिए गुस्सा था, साथ ही शहीदों के परिजनों के लिए सहानुभूति भी। जिस राज्य के जवान शहीद हुए थे, उन राज्य के जवानों के साथ, उन राज्य के सरकारों के साथ केंद्र सरकार ने भी परिजनों की मदद की घोषणा की। फौरी तौर पर जो सहायता राशि दी जानी थी वो परिजनों को दी गई, साथ ही कई वादे भी किए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने देश के लिए शहीद हुए 12 बेटों के परिजनों को नौकरी, गांव में शहीद स्मारक, शहीद के नाम पर गांव या जिस जगह वो रहते हैं वहां सड़क, बच्चों के पढ़ाई लिखाई के खर्च समेत तमाम वादे किए। परिजनों को लगा कि प्रदेश सरकार ने जो वादे किए हैं वो पूरे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शहीदों के परिजनों को नौकरी तो मिल गई, लेकिन बाकी वादों को पूरा कराने के लिए परिजन अभी भी जद्दोजहद कर रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे उन परिजनों का दर्द कि कैसे वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के वो 12 जवान कौन हैं और किस जिले के रहने वाले हैं जिन्होंने देश के लिए शहादत दी। ये वो 12 जवान हैं जिनमें से किसी ने घर बनवाने का वादा किया था तो कोई घर का सबसे छोटा था। इन जवानों में उन्नाव के रहने वाले अजीत कुमार आजाद, कन्नौज के रहने वाले प्रदीप सिंह, आगरा के रहने वाले कौशल कुमार रावत, प्रयागराज के रहने वाले महेश कुमार, शामली के रहने वाले प्रदीप कुमार, वाराणसी के रहने वाले रमेश यादव, कानपुर देहात के श्याम बाबू, शामली के अमित कुमार, देवरिया के विजय मौर्य, महाराजगंज के पंकज त्रिपाठी, मुगलसराय के अवधेश यादव और मैनपुरी के राम वकील यादव हैं। ये वो बहादुर जवान हैं जिन्होंने अपनी जान देश के लिए नौछावर कर दी, लेकिन अब इनके परिवारों की क्या हालत है आपको आगे दिखाते हैं। शहीद हुए 12 जवानों के परिवार आज भी सरकार से आस लगाए हुए हैं। कुछ के परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हैं, लेकिन कुछ आज भी सरकार से आस बनाए बैठे हुए हैं। मैनपुरी के रहने वाले राम वकील भी इन्हीं शहीदों में से एक हैं, जिनकी पत्नी को नौकरी तो मिल गई लेकिन उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, इसीलिए वो आज अपने मायके में रह रही हैं। बाकी सहायता के लिए वो चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी देखिए कैसे शहीद राम वकील की पत्नी अपना दर्द बयां कर रही है। मामा कांड था, जब हमारी नहीं सुनी जा रही है तो जो एक शहीद हो जाते हैं, कभी कोई शहीद हो जाता, उनके उनके परिवार पर क्या गुजरती होगी। जब हमारी नहीं सुनी जाती तो इन शहीदों की कौन सुनता होगा जो देश की हिफाजत करते हुए गुमनामी में शहीद हो जाते हैं। ये शब्द है पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए इटावा के जाबाज राम वकील के भतीजे की। राम वकील भी उन्हीं 40 शहीदों में है जिन्हें 14 फरवरी 2019 को वीर गति प्राप्त हुई थी। इस घटना के बाद पूरे देश में शहीदों के लिए आंखें नम थी। शासन से लेकर प्रशासन तक सबके पैर पर दौड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शहीदों के परिजनों को कभी कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन हुआ वही जो हमेशा होता है। समय के बीतते पहिए के साथ शहीदों और उनके परिजनों की यादें भी धुंधली होती चली गई। सरकारी अमले ने जो वादे किए थे वो सब धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चले गए और परिजन पर चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही। इनके लिए भी हमने वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है, स्मारक हम आप खुद से बनवा लें, कुछ उनकी जो यादें हैं उनको सजोए रखने के लिए, लेकिन सरकार ने अभी तक हमने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी है जहाँ हमने एप्लीकेशन ना दिया हो। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, SDM, DM, हर जगह मैंने मदद की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक एक साल पूरा होने को है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। शहीद राम वकील मैनपुरी जिले के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी पत्नी पर अपने मायके इटावा में रहती है। इसके पीछे भी बड़ी दर्दनाक कहानी है। दरअसल बहादुर जवान राम वकील ने आम इंसान की तरह ही अपनी पत्नी के साथ सपना देखा था कि वो एक घर बनाएंगे जहां वो और उनका पूरा परिवार रहेगा, लेकिन एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया और सारे सपने धुएं की तरह आसमान में समा गए और शहीद राम वकील की पत्नी के पास सिवाय गम और आश्वासन के कुछ नहीं है। पता किया था, जॉब दिया है उन्होंने और
कुछ उन्होंने मदद भी दी है। तो अभी उन्होंने बोला था एक मकान के लिए, पहले क्या मेरे पास मकान नहीं था, मेरे पति का सपना था पहला कि उसमें ये अप्रैल में आके मकान बनाना है, और जे बड़े बेटे को फुटबॉल में जाना है, तो बड़े बेटे का हो गया है उसमें स्पोर्ट्स में, तो अभी क्या जो मकान का भी अब तक कोई वो नहीं हुआ। अब क्या है, आदमी के जाने के बाद जो पहले सब लोग बोलते थे हम साथ हैं, हम साथ हैं हमेशा, अब क्या है उतने दिन हो गए, अब किसी की कोई वो नहीं होती, अब कोई कार्रवाई नहीं हुई है ना, तो अभी स्मारक बना है, अभी उसके लिए जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, और मैं जाते बच्चे छोटे छोटे बच्चों को लेके जाना है, तो क्या है मैं इनके भतीजे को लेके जाती हूँ, और जो क्या है अधिकारियों के पास में दर की ठोकरें खाने पड़ती, और सभी को एप्लीकेशन दिया है डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, अभी तक कोई उसकी कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ दिया है उन्होंने क्या है, और जॉब दी है यूपी गवर्नमेंट ने, और कुछ मदद भी दी है। बच्चों को शिक्षा मुफ्त दिलाई जाएगी, बच्चों को किस तरीके का कोई कुछ हुआ ऐसा? हाँ, कागज वागज तो उन्हें लिए थे अभी उन, और क्या है मुझको आगे कोई जानकारी नहीं है। नहीं, आपके बच्चों को पढ़ाई के लिए जो वादा करा था? हाँ, बोला था पढ़ाई के लिए, तो अभी क्या उन्होंने उस दिन वो कागज वागज मंगा लिए, फिर अभी उसकी मुझको वो ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि यूपी सरकार ने एक वादा पूरा किया कि शहीद की पत्नी गीता को नौकरी दी, लेकिन परिवार इतने से खुश नहीं है। परिवार को यह आश्वासन दिया गया था कि राम वकील ने अपनी शहादत से पहले घर बनाने का जो सपना देखा था वो पूरा किया जाएगा, लेकिन वो वादा सरकार ने पूरा नहीं किया और अधिकारी बदलते गए और फाइलें दबती गई। कुछ ऐसी ही कहानी है वाराणसी के रहने वाले लाल रमेश यादव के परिवार की। रमेश की पत्नी को नौकरी तो मिल गई, लेकिन पिता आज भी दूध बेचकर परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, साथ ही सरकार के किए गए वादों को बांट जो रहे हैं। हमारा बेटा आया था हमारे घर पर, उसी टाइम सभी लोग बोले थे कि ये बन जाएगा, वो बनवा देंगे, वो बन जाएंगे, आज तक कुछ भी नहीं बना। मेरा बेटा चल गया जैसे तैसे बीतत बा, बाकी तो वो रोड बना कहले रहना बन नहीं, रोड बनल है, भैया के नाम से गेट लगे के रहे, भैया के नाम से अभी गेट ना लगल। हमको कोई नहीं, हमको मदद कोई में नहीं मिला है। वहीं सब सरकार जो जो बोली है, वहीं रोड भी नहीं भी बना, हमारे वो मूर्ति भी बोले लोग कि वो मूर्ति बनेगा गेट पर, लेकिन वो गेट भी नहीं बना, कुछ भी जो सरकार बोल के गई आज तक भी कोई चीज़ नहीं बना है। ये एक साल जो बीता है, तमाम आपसे वादे किए गए थे, सरकार की तरफ से कई मंत्री भी आए थे जिस वक्त रमेश यादव का शव आया था यहाँ पे, तो जितने वादे किए गए थे क्या पूरे हुए हैं अभी तक? हमारा कोई पूरा नहीं है। उस जब जिस टाइम जो हमारा बेटा आया था हमारे घर पर, उसी टाइम सभी लोग बोले थे कि ये बन जाएगा, वो बनवा देंगे, वो बन जाएगा, आज तक कुछ भी नहीं बना सरकार की। इस वक्त आप क्या करते हैं, अपनी कमाई का क्या जरिया आपका? घरे हम जो है मजूरी करके दूध दुहा दुहा के घर घर का सबको लिया के इकट्ठा करके लेके जाते शहर में बनारस, वही बेच रहा है, वही बेच के अपना खर्चा बर्चा चला रहा है। हम लोग की बुढ़ौती में जो है अभी लंगड़े लंगड़े हम जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग के माँ बाप के तरह रमेश की जो है वो सरकार के सोचना चाहिए कि कुछ भी पेंशन की जो है वो लोग के जो है देना चाहिए। इतना मंत्री लोग हैं, इतना बोल के गए, लेकिन माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे हैं लोग की, नहीं वो बुढ़ाई में किससे मांगे कि हमारा जो बड़ा लड़का भी वो भी हमारे साथ में है, वो भी हमारा साथ में हमको मेहनत कर रहा है, वही लेके मैं जा रहा हूँ, यही काम कर रहा हूँ। दूसरा तो सरकार ने आपको दिया तो कुछ ना कुछ तो दिया, आपकी बहू को नौकरी भी दिया, सब नौकरी दिया है बहू के, सरकार दिया है,
नौकरी दिया बहू के, लेकिन वो जो बड़े बेटे के लोग बोल रहे थे वो उसको कोई नहीं दिया, ना कोई नौकरी चाकरी छोटा बड़ा कुछ भी नहीं दिए, बोल के गए लोग लेकिन कुछ दिए नहीं आज तक। आपको बता दें कि कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को 42 जवान शहीद हो गए थे। इन्हीं जवानों में वाराणसी के रहने वाले रमेश यादव भी थे। रमेश यादव चौबीपुर के तोफापुर गांव के रहने वाले थे और महज 26 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए थे। शहादत की सूचना मिलते ही परिजनों सहित पूरे क्षेत्र में मातम छा गया था। रमेश यादव CRPF की 61 बटालियन में तैनात थे। रमेश के बड़े भाई कर्नाटक में दूध के व्यवसाय करते हैं, जबकि उनके पिता गांव में ही खेतीबाड़ी का काम करते हैं। रमेश के पिता अब दूध को गांव से बनारस लाकर बेच रहे हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। रमेश की शादी उनके शहादत से महज 5 साल पहले हुई थी और शहादत के वक्त उनका 1.5 साल का बेटा था जो अब 2.5 साल का हो चुका है। बेटे के एक पैर में परेशानी है, जिस पर रमेश ने अगली छुट्टी में आकर बेटे का इलाज कराने का वादा किया था। परिजनों ने बताया कि छुट्टी से वापस जाते समय रमेश ने अपनी पत्नी रेनू से कहा था कि तुम परिवार की देखभाल करना और मैं देश की देखभाल करूंगा, लेकिन उसे देश की हिफाजत के लिए जान देने वाले रमेश का परिवार आज ठोकरें खाने को मजबूर है। वाराणसी से सटे चंदौली जिले के बहादुरपुर गाँव के रहने वाले निवासी अवधेश यादव भी इन्हीं शहीदों में शामिल थे। अवधेश यादव की शहादत के बाद केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से हर संभव मदद की घोषणा की गई थी, लेकिन सरकार की तरफ से परिवार को किए गए वादों में सिर्फ नौकरी देने का वादा ही पूरा हो पाया है, जबकि बहुत से ऐसे वादे हैं जो 1 साल के बाद सिर्फ खोखले ही दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की आज पहली बरसी है। इस आतंकी हमले में देश ने भारत माँ के 40 वीर सपूतों को खो दिया था। देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले 40 वीर सपूतों में चंदौली के बहादुरपुर गांव के निवासी अवधेश यादव भी शामिल थे। अवधेश यादव की शहादत के बाद केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भी भरोसा दिया गया था, लेकिन सरकार की तरफ से परिवार को किए गए वादों में सिर्फ नौकरी देने का वादा ही पूरा हो पाया, जबकि बहुत से ऐसे वादे हैं जो 1 साल के बाद भी सिर्फ खोखले ही दिखाई दे रहे हैं। कुछ बाकी रह गई है, बस एक नौकरी मिली है और जो उन्होंने जो वादा किया था अभी तक कोई पूरा नहीं किया है। आप लोगों की तरफ से क्या मांग की गई थी जो बाकी रहे? जैसे स्मारक गेट और सारे जैसे राजकीय नाम से और मार्ग जो है सड़क ये सब था और स्टेडियम था जो खलिहान है, कोई अब तक वादा नहीं पूरा हुआ। सास की तबीयत खराब रहती है, उनका इलाज हो पा रहा है सरकारी खर्चे पर या आप ही लोग कर रहे हैं? ये हम लोग अपने खर्चे से कर रहे हैं और कोई मदद नहीं मिल पा रहा है। कोई मदद नहीं मिल पा रहा है। शहीद जवान के पिता और भाई तो पुलवामा हादसे को याद कर भावुक हो जाते हैं। उनका कहना है कि अवधेश की शहादत के 1 साल के बाद भी उनकी जिंदगी में कुछ नहीं बदला। अगर कुछ बदला है तो वो सरकार के द्वारा की गई घोषणाएं हैं जो आज भी पूरी नहीं की गई। 1 साल में हमने हमेशा याद किया भैया को, उनकी कमी भी काफ़ी खलती है और स्मृति के लिए हमारे पास उनकी पूरी यादें हैं। सरकार ने जो वादे किए थे उसमें कितना परिवार को मिल पाया है? गवर्नमेंट ने तो उस समय काफ़ी वादे किए लेकिन अभी तक कुछ भी किया नहीं। अभी तक भैया का एक भी स्मृति नहीं बना और ना ही गेट बने, ना कोई उनके नाम पर कोई रोड या फिर कोई स्कूल हुए। साल तो हम लोग का पूरा दुख में ही बीता है, उस दुख को हम लोग क्या बयां करें, तो चल रहा है बस। सरकार ने वादे किए थे, जनप्रतिनिधि भी आए थे, मंत्री भी आए थे पिछले साल जब शहादत हुई थी, कितने वादे पूरे किए गए उसमें से? वो वादा तो कोई पूरा नहीं किया गया, जो केवल सरकार ने वादा किया था वो अपना वादा किए और उस वादे के तहत उस समय जब हुआ था तो उस समय एक बार PWD के इंजीनियर लोग आए थे, बोले कि हम लोग आपको एक मकान बनवाएंगे, आप ज़मीन बताइए। तो मैंने अपना घर इसको नपवाया उपया उनसे किया, तब उसी 2-4 दिन के बाद आचार संहिता लग गई। तो हम लोग सोचा कि हो सकता आचार संहिता बाद वो काम हो, फिर बाद में जब आचार संहिता ख़त्म हुआ तो मैंने जाकर इंजीनियर से मिले साहब से, ऐसा है कि अब तो आचार संहिता ख़त्म हो गया, आप बताइए क्या बात मतलब व्यवस्था होगी। तो उन्होंने मतलब तो पूरा दम नकार दिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, अगर ऐसी कोई बात नहीं थी तो आए कैसे थे। हालांकि शहीद जवान के परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चंदौली दौरे को देखते हुए प्रशासन से उनसे मिलने की मांग की है,
परिवार के लोगों का कहना है कि 16 फरवरी का पीएम चंदौली आएंगे, ऐसे में परिवार के लोगों को पीएम मोदी से मिलने दिया जाए। उन्नाव के लाल अजीत कुमार आजाद भी इन्हीं शहीदों में शामिल थे। पुलवामा हमले की बरसी पर शहीद अजीत की याद में परिजनों की आंखें नम हो गईं। परिजन 14 फरवरी के उस काले मंजर को याद कर सिसक उठते हैं और सरकार की ओर से पत्नी को नौकरी तो मिली, आर्थिक मदद भी मिली, लेकिन अजीत की यादें आज परिवार को गमगीन कर जाती हैं और छोड़ जाती हैं केवल आंसू। 14 फरवरी 2019 का वो काला दिन जब अपने जवानों की शहादत पर पूरे देश की आंखों में आंसू थे। दोपहर के करीब 3 बज रहे थे जब कायर आतंकियों ने वीर जवानों के काफिले पर हमला कर दिया। इस हमले में देश के 40 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। इन जवानों में उन्नाव के लाल अजीत कुमार आजाद भी शामिल थे। पुलवामा हमले की बरसी पर शहीद अजीत की याद परिजनों की आंखें नम हो गई। परिवार 14 फरवरी के उस काले मंजर को याद कर सिसक उठा। शहीद की पत्नी ने बताया कि अजीत पर घर की जिम्मेदारियां थी और उनके जाने के बाद परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की ओर से पत्नी को सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद तो मिल गई, लेकिन अजीत की यादें आज भी परिवार को गमगीन कर जाती हैं। परेशानियां तो आई क्योंकि पूरी जिम्मेदारी उनकी थी, घर की, बच्चों की, अब सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। दिक्कतें तो बहुत हैं पर संघर्ष तो करना ही है अब जीवन में। अब मांगे क्या, स्मारक बन गया, नौकरी मिल गई है, अब और क्या पूरा करेंगे। नहीं, रिलायंस ने बच्चों की शिक्षा कहा था पढ़ाने के लिए उनको, रिलायंस फाउंडेशन ने, उसमें अभी तक कोई बात हुई या कोई आदमी आया? अभी कोई नहीं, फिलहाल तो स्कूल में बच्चों की फीस नहीं पड़ रही है, बाकी जो है अपना मैनेज करते हैं। तो फीस स्कूल की तरफ से माफ है? हाँ, स्कूल की तरफ से माफ है। शहीद अजीत कुमार आजाद की पहली बरसी पर परिवार का माहौल बेहद गमगीन दिखा। पत्नी मीना और माता पिता की आंख बेटे की याद में नम थी। वहीं शहीद के पिता ने बताया कि सरकार की ओर से कई मदद की घोषणा की गई थी, लेकिन सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद के अलावा कोई और घोषणा पूरी नहीं की गई। हमारे जीवन में तो जो ये घटना घटित हुई, ये तो आजीवन हमको जो है ना, अपने बच्चे का भाव तो लगता ही है, कब लौट कर। आपको क्या लगता है कि जब से मुआवजे के लिए सरकार ने कहा था, कोई मुआवजा वगैरह कुछ आगे बात चली कि नहीं चली? सरकार ने जो आर्थिक सहायता दिया था 5 लाख की, वो हमें मिली। सामाजिक संस्थाओं ने जो है ना, बरेली में अमिताभ बच्चन ने जो हम लोगों को दिया था, अजीत की पत्नी को और हमको, 5-5 लाख रुपए आर्थिक मदद दिया है। और बाकी सरकार की ओर से आश्वासन तो बहुत दिए गए थे, मगर वो उनको पूरा नहीं किया। जमीन भूखंड देने के लिए कहा था, वो नहीं दिया गया। गैस एजेंसी के लिए, और स्कूल कह रहे थे कि स्कूल यह ना कोई न कोई ये शहीद के नाम से भी स्कूल का खुलवाया जाएगा, और तो ऐसे भी कुछ नहीं हुआ है। शहीद की 8 वर्षीय बेटी ईशा और 6 साल के श्रेया के चेहरे पर पिता के आने का इंतजार साफ तौर पर झलक रहा था। इसी आतंकी हमले में प्रयागराज के महेश यादव भी शहीद हुए थे। महेश यादव की शहादत के बाद उनके परिवारजनों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी। 1 साल पूरा होने के बाद अभी तक न शहीद के सम्मान में कोई मूर्ति लगी, न कोई सड़क बना, न कोई स्कूल खुला। ये सारे वादे नेताओं ने उनके परिवार से किए थे। परिवार आज भी इन वादों के पूरा होने के लिए टकटकी लगाए बैठा है, सरकार की ओर आस लगाए बैठा है। पुलवामा आतंकी हमले में प्रयागराज के महेश यादव भी शहीद हुए थे। महेश यादव की शहादत के बाद उनके परिवार जनों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी। इन घोषणाओं के बाद परिवार को उम्मीद जगी और जवानों की शहादत के नाम पर वोट लेने के बाद जिम्मेदार लोग इन वायदों को भूल गए। 1 साल पूरे होने के बाद भी अभी तक सरकार ने वादे पूरे नहीं किए। इतना ही नहीं, शहीद के सम्मान में ना तो कोई मूर्ति लगी, ना सड़क बनी और ना ही स्कूल खुला। हमको सुविधा यही मिला है कि 2 सौर ऊर्जा लाइट मिली है, 1 हैंड पाइप मिला है और ट्रांसफार्मर। कुछ भी नहीं हुआ, एक भी काम नहीं हुआ। अगर शहीद हमको बोले थे कि शौचालय बनवा के दे देंगे, एक आपको आवास बना के दे देंगे, वो भी फोटो खींच के चले गए और आज तक फिर दोबारा नहीं झांके। हमने 2-3 बार उनके पास फोन किए, उन्होंने बोले हमको सरकार पैसा नहीं दे रही है तो हम कहाँ से बनवाएंगे। तब तुमको सरकार जब बोली थी फोटो खींचने के लिए कि आए हमारे घर पे खींच के गए, तुमको एक आवास बनवा के दे दूंगा, तो तब सरकार बोली थी तुमको? नहीं बोली थी। तब तुमने क्यों आए हमको एक हमदर्दी जगाने के लिए कि हम बहुत हमदर्द हैं आपके? कितने नेता यहाँ पर आए थे,
सड़क की स्थिति तो इतनी है कि 3 महीना के अंदर हमारा जूता चप्पल सब खिया गया है। मैं आपको जूता दिखाऊंगा तो बोलोगे कि हमको जूता से मारने दौड़ रहे हो। वो हमारे चप्पल और जूते के यहाँ पर हम लोग 3 महीने के अंदर हमको जूता बदली करना पड़ता है। बरसी के मौके पर महेश के परिवार वालों को एक तरफ उनके ना होने का गम है तो साथ ही सरकारी सिस्टम की वादा खिलाफी और उसकी बेरुखी का मलाल भी। हमारे भाई को हो गया 1 साल, कखिन शहीद हुए, कखिन हम सरकार से यही कहेंगे कि जो पंकज त्रिपाठी को जो जो सुविधा मिला है वही मेरे बड़े वाले भाई को सुविधा मिला जाए। सरकार से हम यही निवेदन करेंगे। और कहे थे कि एक राज्य सरकार का नौकरी मिलेगा, एक केंद्र सरकार को, तो केंद्र सरकार का हमारे मतलब भतीजों को मिला जाएगा, राज्य सरकार का हमारे छोटे वाले भाई को मिला जाए। हाँ, पार्क और गेट बनवाने के कहे थे, अभी न कोई न कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ वही सड़क गिट्टी बिछी है और एक हैंड पाइप मिला है, एक सूर्जा लाइट मिला है और बाकी हमारे घर को कोई सुविधा नहीं मिला है। पुलवामा हमले को 1 साल पूरा हो गया है। 1 साल में एक पल भी ऐसा नहीं बीता जब महेश के परिवार वालों ने उनकी याद में आंसू ना बहाए हों। उन्हें बेटे के जाने का जितना गम है उससे कहीं ज्यादा अफसोस नेताओं और अफसरों की लापरवाही और बेरुखी का है। इसी आतंकी हमले में शामली जिले के 2 जवान प्रदीप और अमित अपनी जवानी में देश के लिए कुर्बान हो गए थे। बाकी परिवारों की तरह इनके परिवार का गुस्सा और गम अभी भी कायम है। दोनों शहीदों का परिवार सरकार से किए वादों के इंतजार में है कि कब पूरे होंगे वो वादे जो साल भर पहले किए गए थे। देखते ही देखते 1 साल बीत गया लेकिन वो वादे आज भी परिवार के लिए पूरे नहीं हो पाए। 14 फरवरी 2019 का वो काला दिन जब अपने जवानों की शहादत पर पूरे देश की आंखें नम हो गई थी। पुलवामा हमले में देश के 40 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। इन शहीदों में शामली के अमित कोरी भी शामिल थे। अमित ने महज 21 साल की उम्र में अपनी जिंदगी देश के नाम कर दी। अमित 2017 में CRPF में भर्ती हुए थे। पुलवामा हमले की बरसी पर अपने बेटे को याद करते हुए पिता की आंखें नम हो गई। शहीद के पिता ने बताया कि सरकार ने जो वादे किए थे सभी वादे करीब करीब पूरे हो गए हैं। पिता ने अपने घर की बैठक में शहीद के चित्र और सम्मान चिन्ह सजा रखे हैं। यहीं पर वो दिन भर बैठे रहते हैं और रात में बेटे की यादों के सहारे सो जाते हैं। जी के संबंध में क्या वे पूरे हो पाए हैं? पुलवामा हमले को 1 साल होने को है और जो सरकार ने वादे किए थे वो लगभग करीबन सभी पूरे हो चुके हैं। जब 1 साल हो गया है आप अपनी दिनचर्या कैसे शुरू करते हैं? हम सवेरे उठते हैं, स्नान ध्यान करके शहीद अमित कुमार कोरी अपने बेटे की पूजा करते हैं। अच्छा, आप पिता हैं, अपने बेटे की पूजा करते हैं, क्या महसूस करते हैं? अपने बेटे की पूजा करते हैं, जो आसपास के लोग आते जाते हैं वो भी मत्था टेक के जाते हैं, तो जी मत्था टेक के लोग भाग जाते हैं तो हमें भी गर्व है कि हम अपने बेटे की पूजा क्यों नहीं करें। अच्छा, और इस पूजा करने से हमें गर्व भी महसूस होता है और हम जो है एक शांति महसूस करते हैं हमारा दिल। वहीं इस आतंकी हमले में शामली जिले के बनत कस्बा निवासी 37 वर्षीय प्रदीप कुमार भी शहीद हो गए थे। शहीद के पिता जगदीश ने बताया कि उन्हें गर्व है कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ, लेकिन बेटे की कमी हमेशा खलती है। सरकार से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि सरकार ने बेटे की शहादत का बदला ले लिया। वहीं शहीद का परिवार अब गाजियाबाद में रहकर अपना गुजर बसर कर रहा है। पिता ने ये भी बताया कि प्रदीप जब भी घर आते थे तो सेना की बहादुरी के किस्से सुनाना नहीं भूलते थे, लेकिन अब ना तो प्रदीप आता है और ना ही उसके किस्से। जिन माँ बाप ने अपने कलेजे के टुकड़ों को देश के लिए निछावर कर दिया, हम उनका दर्द कम तो नहीं कर सकते लेकिन वीर शहीदों को याद करके उनका दर्द बांट जरूर सकते हैं। हालांकि पुलवामा हमले को 1 साल बीत गया लेकिन आज भी दिलों में पुलवामा आतंकी हमले का दर्द मौजूद है। देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वालों में कन्नौज के प्रदीप सिंह भी शामिल थे। प्रदीप सिंह के शहादत के बाद सरकार ने उनके परिवार की हर संभव मदद का भरोसा दिया था। सरकार ने नौकरी से लेकर गांव के विकास करने के बड़े बड़े दावे किए थे। जो भी हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके बलिदान को जाया नहीं जाने दिया जाएगा। हमारी सरकार द्वारा कड़े से कड़े कदम उठा करके जो भी इसमें लिप्त आतंकवादी संगठन है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हमारी सरकार द्वारा परिवार को, जो भी हमारे शहीद के परिवार हैं उनके परिवार का पूरा ध्यान रखा जाएगा और सरकार द्वारा सभी जो हमारे शहीद का परिवार है उनको 25 लाख रुपए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा चुका है
जो कि उनके खाते में पहुंच चुका है, और उनके नाम पे, शहीद के नाम पे जिस सड़क पे हम खड़े हैं, उनके गांव की सड़क है, इसका नाम भी उनके शहीद के नाम पे कर दिया जाएगा। और बहुत जल्द उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी जो भी कार्रवाई है उसको पूरा करते हुए एक माह के अंदर उनको नौकरी भी सरकार द्वारा दे दी जाएगी। शहादत के वक्त मंत्री जी और उनकी सरकार ने वादे तो किए, लेकिन प्रदीप सिंह की शहादत के एक साल बाद भी परिवार को सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली। शहीद की पत्नी नीरज देवी मदद के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, और अधिकारी है कि उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं। मेरे पति जो पुलवामा हमले में शहीद हो गए थे, तो आज तक मतलब पूरा एक साल होने जा रहा है, 14 फरवरी से एक साल हो जाएगा, ना तो उनके नाम से पार्क बना है, जगह मिली आवंटन हुई है, ना तो उनके नाम से टंकी आई है, ना द्वार बना हुआ है, ना उनकी मूर्ति लगाई गई है। और प्रधान से, डीएम से, एसडीएम से सब जगह जाके मैंने सबसे गुहार लगाई, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी है। अभी तक शहीद के नाम से पार्क नहीं दिया गया है, ना कोई जमीन, ना मुझे गाँव में रहने के लिए प्रधान ने अभी तक कोई कॉलोनी भी नहीं दी है, मेरे लिए कोई आवास नहीं है जहाँ की मैं जाके बैठ सकूं, मेरे बच्चे बैठ सकें, इसलिए हम लोग गांव नहीं आ पाते हैं, ना तो गांव में आके पूजा कर पाते हैं, ना मेरे बच्चे रुक पाते हैं। वही सुनवाई नहीं होते देख शहीद की पत्नी नीरज देवी ने बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक से मिलकर मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद सुब्रत पाठक ने मदद का भरोसा दिलाया। पाठक जी से कहने आई हूँ कि जिस बेटे ने अपने बाप का चेहरा ही नहीं देखा है, उस बेटे के लिए कुछ तो होना चाहिए जो कि मेरा बेटा खा सके, कर सके। जमीन जी, सांसद जी ने ये कहा कि यहाँ सभी काम पूरे होंगे, बोर हो जाएगा, आपका जो खेत है रोड के किनारे नाप दिया जाएगा, और ये जो पार्क है पार्क के लिए जमीन दी जाएगी, और जो 2.5 बीघे बची हुई जमीन है जो शहीद के नाम से 5 बीघे दी जाती है वो आपको दी जाएगी। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सुखसेनपुर गांव के प्रदीप सिंह सीआरपीएफ की 115 बटालियन में थे। प्रदीप अपने पीछे 2 बेटियां 10 वर्षीय सुप्रिया और 2.5 वर्षीय सोना छोड़ गए, जिनकी पढ़ाई के लिए परिवार कानपुर में रह रहा है। सांसद के आश्वासन के बाद परिवार को आस है कि सरकार अपने दावों को जल्द पूरा करेगी और देश के लिए जान देने वाले प्रदीप का सम्मान होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरकार कब तक ऐसे ही शहीदों के परिवारों की अनदेखी करती रहेगी और शहीदों के परिवार मदद के लिए दर दर भटकते रहेंगे। ये थे पुलवामा हमले में शहीद हुए 7 जवानों के परिवार। वैसे तो उत्तर प्रदेश से कुल 12 जवान शहीद हुए थे, लेकिन इन 7 परिवारों के गम ने ऐसा रुलाया कि बाकी परिवारों का दर्द अपने आप जुबान पर आ गया। उनके भी हालत कमोबेश यही बनी हुई है। परिजनों को नौकरी तो मिल गई, लेकिन बाकी उनके वादे, उनकी फाइलें दबती नीचे चली जा रही हैं। परिजन दफ्तरों के चक्कर काट काट कर परेशान हैं, लेकिन सुनवाई के नाम पर केवल आश्वासन मिलता है। आज पहली बरसी पर हमने परिवारों का दर्द दिखाया, तो उम्मीद है कि सरकार को कुछ होश आए, नहीं तो ये फाइलें और मोटी होती चली जाएंगी और परिवारों का दर्द धूल पड़ती फाइलों में दबती चली जाएगी। हम और आप बस बाकी शहीदों के परिवारों की तरह आतंकी बरसी पर उनको याद करते रहेंगे। हम तो आवाज़ उठा ही रहे हैं, आपसे भी उम्मीद है कि आप इन परिवारों की आवाज़ बनिए, हमारे साथ खड़े होइए। देखते रहिए पंजाब केसरी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।